साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बड़े साहबजादे बारे सिंह शहीद होए उस धरती तो मैं आया। मैनू कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी ने पंजाब की सेवा का मौका दिता है। मैं एक गल कह दा कि मैं आम आदमी का, मैं गरीब का नुमाइंदा है, चाहे गरीब किसान है, चाहे गरीब दुकानदार है, चाहे गरीब वो पिंड च बैठा मजदूर है जिहड़ा रोज मजदूरी करके खांदा है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे गरीब किसान है, चाहे किसी जाति का गरीब है, मैं उन्होंने नुमाइंदा, मैं अमीरां का नुमाइंदा नहीं है। मैं ना उन्होंने लोगों का नुमाइंदा है जिहड़े सोचा दे विच अपनी दे कालख रखते हैं। मैनू उही बंदे मिलने जिहड़े पंजाब की सेवा करना चाहते हैं, जिहड़े रेते का बिजनेस करना चाहते, मैं हाथ जोड़दा मैनू ना मिलन, जिहड़े कोई माफिया करना चाहते मैनू ना मिलन आके, मैं उन्हों का नुमाइंदा नहीं है। मैं रिक्शा चलाने वाले का नुमाइंदा, मैं आप रिक्शा चलाया, मेरे बापू का टेंट हाउस से, मैं घर घर कुर्सियां ढोईयां, मैं हर पंजाब दे आम लोग का नुमाइंदा। अज आम लोगों का राज पंजाब दे विच स्थापित होया, अज पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी का राज स्थापित होया। वाह वाह वाह। सो सत्कारयोग पत्रकार वीरो, मैं थोड़ा बहुत धन्यवाद करदा, तो मैं थो तो आस रखदा कि आपने रल के पंजाब की डेमोक्रेसी नूं, पंजाब की आज़ादी नूं, पंजाब दे लोकां दी चढ़त नूं अगे लेके जाना है, पंजाब नूं खुशहाल करना है, पंजाब नूं तकड़ा करना है। सोने की चिड़िया है पंजाब, लेकिन मैं एक गल करना चाहुंदा कि खेतीबाड़ी प्रधान सूबा है पंजाब, पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी तां किसानां नूं अपना गल वढ के दे दांगा, लेकिन पंजाब दी किसानी ते आंच नहीं आण देगी। इह किसानां दी सरकार है, किसानां दी हितैषी सरकार है, इह कांग्रेस पार्टी दी सरकार है। काले कानून वापस लैण वास्ते मैं केंद्र सरकार नूं अपील करदा, यह किसानी डुबेगी तो पंजाब डुब जाएगा, किसानी डुबेगी तो हिंदुस्तान डुब जाएगा। किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, किसान की फसल आउंदी है तां दुकान दे विच गाहक आउंदा है, किसान की फसल आएगी तां मजदूर नूं खेत च काम मिलदा है, किसान की फसल आएगी तां किसानी तां पंजाब खुशहाल होएगा, पंजाब सरकार ते असर पैंदा है। इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ी है, और ऐसी सब कुछ बारन नूं तैयार है किसानां दे संघर्ष वास्ते, लेकिन पंजाब दे किसान नूं कमजोर नहीं होण दवांगे। ऐसी हर तरीके नाल समर्थन करदे हां किसान संघर्ष दा, ते अपील करते हैं कि इन्हां नूं वापस लिया जाए जिहड़े काले कानून है, ते असीं इहदे विच 100% नेक नीति दे नाल बिना किसी बलछड़ रखे, बिना किसी अहुदे दा लालच करे किसानां दे नाल खड़ांगे। अगली मेरी बेनती यह है कि मैं नहीं सुनना, तो ना मेरी हाई कमांड तो मेरे लीडर सुनना चाहते, ना मेरे MLA सुनना चाहते कि पंजाब दे विच कोई रेता माफिया भी हैगा। अज ही इहदा फैसला कर दांगे कैबिनेट दे विच, अज ही फैसला कर दांगे। जिहड़ा बहुत जरूरी है किसानां दा, खेतां दी बिजली माफ रहे, किसान नूं लोड़ है, लेकिन एक मोटर गरीबां नूं पानी, पिंड दे लोकां नूं पानी भी दिंदी है, वह भी माफ होनी चाहिए है। गरीबां दा पानी माफ होएगा पिंडां दे विच, वो मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा। 10-10 लाख रुपये दे बिल खड़े है, 20-20 लाख दे, 50-50 लाख दे, सारे माफ करांगे
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਗਰੀਬ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦੇਣੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਾਫ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ 200 ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਾਂ 150 ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿਆਰਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਸੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ 18 ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ 21 ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਅੱਗੇ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਏਗਾ, ਗਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਵਿੰਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੱਲੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਲੋਹੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਅਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਘਟਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰੈਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਏ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ।
मसले सारे हल करांगा, मैनूं थोड़ा जिहा टाइम दे दो। एक बार मेरी अपील ते सारियां हड़तालां बंद करके अपने काम ते आ जाओ। ज़्यादा टाइम नहीं मंगदा, मैनूं थोड़ा टाइम दे दो ताकि मैं अपने रंधावा साहब बैठे हैं बहुत ही होनहार और कट्टर कांग्रेसी परिवार चो डिप्टी सीएम इन्हों बनाया गया। जे इन्हों का खून टेस्ट करो जिसे कांग्रेस ही निकलनी और ईमानदारी निकलनी, दो चीज़ें इन्हों के अंदर है। इन्हों साड़ी हाईकमांड ने, साड़े एम एल एज ने डिप्टी सीएम चुनिया, मैं इन्हों बधाई देना और हाईकमांड का धन्यवाद करदा। सोनी साहब आजाद भी जित गए सी, इन्हों का अपना एक मुकाम है और बहुत ही होनहार है। इन्हों अज मौका एम एल ए साहबान ने कांग्रेस पार्टी ने दिता है, मैं इन्हों का इन्हों मुबारकबाद देना। ऐसी पार्टी असी सारे बैठ के इंपलाइज गल करांगे, जो मसले सारे हल करांगे। लेकिन एक बेनती जरूर करांगा कि वापस काम ते आ जाओ, आपने पंजाब नूं अगे लेके जाना है। जे किसी इंपलाई के घर 10,000 फालतू जाना तो मेरे घर भी आना है, इस करके मैं उन्होंने नाल खड़ा है। मेरे घर वो आ गए, आ पिछे म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमान का झगड़ा सीगा, मैं नाल खड़ गया, मैं क्या इन्होंने पक्के करो, होर आए सी पानी वाले, मैं क्या पक्के करो इन्होंने, मैं उन्होंने नाल खड़ा, अज तो नहीं पहला तो खड़ा है। फिर जे मैं उन्होंने नाल खड़ा तो वह अज मेरे नाल आके दफ्तर च खड़ जाण, काम पर जोर दे देण, मेरे ते विश्वास रखण, सरकार ते विश्वास रखण, पार्टी ते विश्वास रखण, मसले सारे हल हो जाणगे, कम्मां ते आ जाण। सो मैं हरीश रावत जी जिहड़े साडे जनरल सैकटरी है उन्हां दा धन्नवाद करदा, कांग्रेस पार्टी दा धन्नवाद करदा। एक मैं बेनती करांगा कि मेरा बिस्तरा मेरी गड्डी दे विच ही लग्या होया। सिद्धू साहब बैठन लगे कहिंदे आ की है पिछे, मैं कहा भाई जी बिस्तरा लग्या होया, मैं तां 4 बजे तुर पैंदा, जिथे पहुंचना होवे 7 बजे पहुंच जांदा। मैं पंजाब दे घर घर विच जाणा, मैं दफ्तर विच मिलांगा। सारे सैकटरियां नूं अज ही हदायत जारी हो जाएगी कि 2 दिन तक पक्का दफ्तर विच लोकां नूं मिलना है, लोकां दीआं सुननियां। डीसी ये नहीं है कि साडे लोग बाहर बैठे है तो आप अंदर बैठे चाह पी जा रहे हो, उन्हां नूं सब तो पहला लोगों नूं मिलना है। टाइम फिक्स होएगा, उस टाइम उत्थी होएगा डीसी। सैकटरीएट दे विच अफसर बंदियां नूं नहीं बनाणगे, आप डायरेक्टोरेट च जाके कि होर बैठेंगे। सैकटरीएट दे विच दिक्कत आउंदी है लोगों नूं पास पूस बनाउण दी, होर सारिआं दी। हर गरीब की पहुँच होवे मेरे तक, हर सारे अफसरां तक इस दी व्यवस्था की जाएगी। किसी नूं ये नहीं है कि उहदा शिकायत का हल नहीं होया, ये सारिया चीज़ों का हल होएगा। मैं पंजाब के आम लोगों की आवाज़ बनागा, तो पंजाब के आम लोगों अगे ला के चलागा, किसानी संघर्ष के आप जुटागा, तो इस मसले को हल करा के देवगा। सो मैं फिर भी थोड़े नाल मुलाकात होंगी रहनी है, इस करके ज़्यादा समा नहीं लेना चाहता। यह